हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। चलिए, मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज आए हैं हम इलाहाबाद संगम पे नहाने के लिए। और इधर देखिए, चारों तरफ नाय लगी हुई है। और मैं अपना आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं से स्टार्ट करता हूँ। चलिए, आप लोगों को लेकर चलता हूँ। और इधर देखिए, नदी सूखने के कारण इधर से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी है, ऊपर से आ रहा है, इधर से लोग आ रहे हैं। और संगम उधर बीच में है, उधर लोग नहाते हैं। ऐसे आप देखिए, संगम पे नहाने के लिए टूरिस्ट आए हैं। और यहाँ पे देखिए, नहाने के लिए देखिए, यहाँ पे बोट उट लगी है सब। हम लोग आ गए हैं अब नदी के पास। और हमें भाई नहाने होने के लिए व्यवस्था भी बैग में लिए हैं हम लोग, अभी नहाएंगे। और इधर देखिए, साफ करने के लिए मशीन लगी हुई है इधर। ये जो मशीन है साफ करने के लिए है। और इधर देखिए, नहाने होने के लिए लोग आते हैं। और यहाँ पे देखिए, इतनी सब सारी नाएँ हैं। देखिए, अब हम लोग संगम पे आ गए हैं और इधर नदी में हल्के आए हैं। और चलिए चलते हैं उधर और आप लोग घुमाते हैं। तो गाइस, आज के ब्लॉग में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोगों को पूरा घुमाएंगे हम संगम। और चलेंगे लेकर, यहाँ पे किला भी है तो आप लोगों को किला पर भी लेकर चलेंगे। और इधर देखिए, जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पे ऊँट भी है संगम पे, आप लोगों को दिखा रहे हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पे नहाने के लिए संगम पे। सब चल रहे हैं हम लोग। अब इधर भी पानी, हम लोगों को छोटी छोटी नदियाँ पार करके जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे सूज निकालना है। अमित भाई तो सैंडल पहन के आया है और अमरजीत भी स्लीपर पहना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हम ही को हो रही है, इसलिए कि मैं सूज पहना हुआ हूँ। तो गाइस, सब देखिए, हम लोग आ गए नदी किनारे पे। और अमरजीत तो पहले से ही मौजूद है वहाँ पे। और हम लोग भी अब नहाए होंगे। देखिए, अब हम लोग संगम पे आ चुके हैं। यहाँ पे सभी लोग बीच में संगम में नहाते हैं। अभी हम लोग इसमें नहाएंगे। और चलिए, तब तक नहाते हैं तो आप लोगों को दिखा रहे हैं अभी। और फिर यहाँ से नहा होकर फिर निकलेंगे मंदिर की तरफ और आप लोगों को लेकर चलेंगे। निकाल चुके हैं और जा रहे हैं अब नहाने के लिए। और यहाँ पे देखिए, अमित भाई भी पानी पानी बना रहा है। और लेके चल रहे फोन भी जाने वाला है। मजा आ गया पूरा आज। आप लोगों के आशीर्वाद और गंगा माता के आशीर्वाद से बस आप लोग अपनी कृपा बनाए रखें। हम लोग इस समय पर Oh my God! फोन भी वाटर प्रूफ नहीं है, अगर चला जाएगा तो काम हो जाएगा। चलिए, फोन बाहर धर के आते हैं हम तो तक रख के। नहाने के बाद आप लोगों को लेकर चलेंगे मंदिर के पास, आप लोगों को घुमाएंगे। और वहाँ पे किला भी है तो आप लोगों को किला भी दिखाएंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, तब तक लोग हम लोग एंजॉय कर लें। बहुत दूर से आए पैदल चलकर। तो गाइस, अमित भाई तो फोन ही छोड़ने वाला था लेकिन बचा लिया है। और चलिए, फोन रखते हैं, उसके बाद कपड़ा पहन कर निकलते हैं, फिर आप लोगों को ले चलते हैं मंदिर के पास। और यहाँ पे देखिए, सारे लोग शाम के टाइम है तो बहुत अच्छा लग रहा है नहाने में भी। अमित, देखिए बहुत दूर तक सभी लोग नहा रहे हैं। 6 बज गया है शाम को और गर्मी का मौसम है तो वैसे भी बहुत आनंद। हम लोग नहा आ चुके हैं और अब उसी देरी में निकलेंगे। और अमन जी कपड़ा वड़ा चेंज कर रहा है, तो तब तक आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। फिर मंदिर के पास हम लोग चलते हैं। चलिए, निकलते हैं भाई।
भाई अपना नागर कैसा फील कर रहे हैं भाई? नहाने के बाद पानी के अंदर तो अच्छा फील आ रहा था, लेकिन बाहर इस समय फिर निकलने के बाद जोरों शोर से आ गई है और कुछ पता ही नहीं चल रहा है हम लोग नहाए या कि नहीं। नहीं नहाए और काफी हम लोग लगभग एक घंटे नहाए हैं ना, एक घंटे हो गए हम लोग को नहाते हुए। और हम लोग को अभी जाना है बहुत दूर, आप लोगों को दिखा रहे हैं कितना दूर जाना है, और उधर दिखा रहे हैं आपको मंदिर कहाँ पे है। मंदिर देखिए वहाँ पे, मंदिर हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, हम लोग को वहाँ पे जाना है। और हम लोग अब छोटी छोटी शाखाएँ जो हैं उसको पार कर रहे हैं अब। तो यहाँ पे चाय वाले भाई आए हैं तो लाल चाय लेकर आए हैं, थोड़े से गले में भी दिक्कत ही तो हम लोग पी लेते हैं। और उसमें क्या भाई दोस्त नींबू के साथ दे रहे हैं, कितना का दे रहे हैं भाई? 10 रुपया का दे रहे हैं मात्र। देख उधर भी आए हैं लोग घूमने के लिए। भाई का सपोर्ट करो, लाइक एंड कमेंट शेयर फॉलो कर दो। कहाँ से है भाई? वाराणसी से। चलिए काशी की नगरी। चल भाई लोग जा रहे हैं नहाने के लिए, चलिए ठीक है। चलिए नींबू आपको फायदा ही। अच्छा चाय बनाए, चलिए चलिए। हम लोग चाय वो भी पिए हैं, नींबू का चाय था और उसमें काला नमक था तो बहुत अच्छा लगा है, मूड भी फ्रेश हो गया है। और नहाने के बाद इतनी उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए धीरे धीरे हम चलते हैं आप लोगों को, और चलते रहेंगे आप लोगों को और दिखाते रहेंगे फुल वीडियो में, आप लोग इन्जॉय कीजिए। गाइस अब लास्ट शाखा है, अब इसको हम लोग पार कर लेंगे तब चलेंगे मंदिर की तरफ। और ज़्यादा पानी नहीं है, झील की तरफ बह रहा है और आगे पानी है, आगे हल्का गाढ़ा है। नागेश्वर तो गाइस यहाँ पे देखिए गाड़ी से पार कर रहे थे लोग, और देखिए हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं किनारे पे। ओ पैंट भिज गया लग रहा है, पैंट भी भिज गया क्या। और चलिए अब शूज़ पहन लेते हैं, इसीलिए कि अब नहीं पार करना है कुछ, तो शूज पहन लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को लेकर चलते हैं, जहाँ चलेंगे आप लोगों को घुमाएंगे अच्छी तरह से। तो गाइस यहाँ पे देखिए और रूट वूट घूमने के लिए यहाँ पे खड़ा रहता है, आप लोग आइए तो इसका फुल इन्जॉय कीजिए। और चलिए हम लोग अब चलते हैं बाहर, यहाँ से निकलते हैं। नहाने के बाद बाहर और बिगड़ चुका है, जैसे बैठ भी नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो में बने रहिए और आप लोगों को लेकर चलते हैं। और मेरा पार्टनर जो सब आगे चले गए हैं तो चलते हैं हम जल्दी से। अब नहाने के बाद इतना बाहर इतना धूल धूल है कि तो गाइस सब हम धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी जाना है वहाँ पे। आप लोग को एक बार चारों तरफ दिखा रहे हैं, इस समय अंधेरा होने वाला है तो शाम के टाइम में तो चारों तरफ बत्ती बढ़ रही है और बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग दिखा रहे हैं देखिए इधर मंदिर उस साइड है और उधर ही चल रहे हैं हम लोग, और वहाँ पे दिखा रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए पूल कितना अच्छा लग रहा है, पूरा लाइट लगी हुई है अच्छे से। मंदिर यही सामने है और हम लोग अब चलेंगे मंदिर के पास। गाइस अब हम लोग धीरे धीरे आ गए हैं, बहुत हम लोग अंदर थे तो अब मंदिर के पास आ गए हैं। यहाँ पे देखिए सामने वो मंदिर दिखाई दे रहा है। तो गाइस अब हम लोग थक भी चुके हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं मंदिर के पास, आप लोगों को दर्शन करा दे रहे हैं। ये अंधेरा हो गया है, एक किला था सामने और हम आप लोगों को दिखा नहीं पाए हैं, इधर किला उला है पूरा। और ये सामने इधर देखिए मंदिर है। तो गाइस काफ़ी हम लोगों को अंधेरा हो चुका है और हम लोगों को दिखा दे रहे हैं यहाँ पे सामने से, और इधर ये रहा है एंट्री गेट, ये एंट्री गेट है और यहाँ से एंट्री लिया जाता है, मंदिर में अंदर जाया जाता है। और हम लोग काफ़ी अंधेरा, और इधर देखिए सामान वामान लगा है, चूड़ी भी है। चलिए दिखा रहे हैं यहाँ पे बड़ा वाला मंदिर है और आप लोगों को लेकर चलते हैं।
आ गए हैं वहाँ पे, यहाँ से मेन गेट पे आ गए हैं। और अंदर में आ चुके हैं, दिखा रहे हैं आप लोग ले चुके हैं। और इधर देखिए यहाँ से ऊपर जाया जाता है, और ये रहा पूरा मंदिर का व्यू। तो गाइस आप लोग आइए एक बार जरूर घूमिएगा। और चलिए काफ़ी अंधेरा हो चुका है और हम लोग चलते हैं अब रूम पे अपने। चलिए गाइस अब हम लोग अब बाहर निकलते हैं। और ऊपर भी है, बहुत ऊपर बड़ा मंदिर है, तो टाइम नहीं है और यहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने मित्र। तो चलिए अब हम लोग बाहर निकलते हैं। यहाँ पे अमित भाई इंतज़ार कर रहा था। गाइस साहब हम बाहर निकल चुके हैं। तो गाइस देखिए इधर सामान लगता है यहाँ पे प्रसाद वरसाद के लिए इधर, और आप लोग लेकर चल रहे हैं आगे। और इधर देखिए यहाँ से आप लोग आकर सामान खरीद सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा काफ़ी चढ़ान है, तो हम लोग चल रहे हैं ऊपर। तो गाइस अब चलते हैं हम लोग यहाँ से, करते हैं ऑटो ऑटो और उसके बाद रूम पे पहुँचते हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए ऐसे ही। और अंधेरा उसी जाए तो देखिए इधर सारी दुकानें हैं। और अब हम लोग यहीं से बाहर जाएंगे, यहाँ से ऑटो ऑटो मिलेगा। अब इधर से जाएंगे हम लोग ऑटो ऑटो। हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, अरे रिक्शा में बैठ चुके हैं। और हम वहाँ चल रहे हैं रूम पे। गाइस अब हम लोग रूम पे पहुंच चुके हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में आपसे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।